सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहजनवा क्षेत्र के भीटी रावत स्थित पहुंचे शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय, रेशमा रावत की प्रतिमा का अनावरण और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को किया संबोधित। वोटर चेतना अभियान के तहत सदर सांसद रवि किशन ने गिरधरगंज वार्ड में पहुंचकर लोगों के घर जाकर वोटर बनने की अपील। कहा, जो युवक जनवरी 2024 में 18 वर्ष के प्राप्त करने वाले हैं उम्र, अवश्य बने वोटर। एसडीएम सदर कुमार सौरभ की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। शुक्रवार की रात आए भूकंप से कांप उठा गोरखपुर, लोग निकले घर से बाहर। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, भूकंप के समय ना करें अफरा तफरी, हो सकती है दुर्घटना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 300 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। गीडा थाना क्षेत्र में गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग पर दाना पानी रेस्टोरेंट के सामने सड़क हादसे में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार दंपत्ति की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा लोगों के साथ कर रही है भेदभाव, नहीं रुक रहा है अपराध। 2024 में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी सपा।